स्वागत है आप सबका ब्लॉगिंग अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने वर्डप्रेस ब्लॉग का ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करोगे। तो इस पर हम ऑन पेज एसईओ करेंगे वर्डप्रेस के ब्लॉग पे। लेकिन अगर आपको ब्लॉगर का भी सीखना है तो आप नीचे कमेंट में कर देना, तो मैं जल्द से जल्द ट्राई करूंगा कि ब्लॉगर के पोस्ट का ऑन पेज एसईओ आप कैसे करोगे उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। सो खैर छोड़िए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दूं कि ऑन पेज एसईओ आपके ब्लॉग के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। सिंपल सी बात है, ऑन पेज एसईओ मतलब आपका जो पेज है उसका आप एसईओ कर रहे हो। तो ऑन पेज एसईओ आपके ब्लॉग का रैंकिंग में काफी इफेक्ट करता है। और ऑन पेज एसईओ एक ऐसा एसईओ का पार्ट है जो आपके हाथ में रहता है, जैसे टेक्निकल एसईओ ये सब आपके हाथ में होता है। ऑफ पेज की बात कर लो तो वो सब आपके हाथ में रहता है, क्योंकि बैकलिंक्स ये सब आपको बनानी पड़ सकती है, बने ना बने अलग बात है। लेकिन जो ऑन पेज एसईओ होता है वो पूरा आपके हाथ में होता है, वो आप पूरा 100% खुद से कर सकते हो। और उसको चेक करने के लिए हम यूज करेंगे इसमें रैंक मैथ का प्लगइन। आप चाहो तो योस्ट का भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं इस एग्जांपल में रैंक मैथ का यूज कर बताऊंगा, क्योंकि हमें इजीली सब कुछ लगेगा कि हाँ भाई हमने ये चीज ऐड कर दी है, ताकि हमसे कोई भी चीज मिस ना हो। मतलब एक तरीके से चेकलिस्ट है। आप चाहो तो चीजें नोट भी कर सकते हो, अगर आपको प्लगइन यूज नहीं करना हो तो आप चीजें को अपने नोट से बना सकते हो कि हाँ मैंने ये सब चीज ऐड कर दिया है मेरे पोस्ट में। या फिर आप सिंपली प्लगइन को यूज करो, उसमें ऊपर में स्कोर दिखाता है कि 100 में से कितना आपका ब्लॉग का भी करंट ऑन पेज एसईओ का स्कोर है। और अगर आपको रैंक मैथ यूज करने में दिक्कत आती है तो मैं पूरा डिटेल में ट्यूटोरियल बनाकर रखा है रैंक मैथ का, कि कहाँ पे क्या चीजें हैं, कैसे आपको सेटअप करना है, क्वाई कार्ड में मिल जाएगा। तो साहब दोस्तों, अभी हमारा ये ब्लॉगिंग अपडेट का ब्लॉग है, इसमें मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूँ बेस्ट ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, ईमेल मार्केटिंग जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसके ऊपर मैं ये आर्टिकल लिख रहा हूँ। सबसे पहले हम टाइटल डालते हैं, फिर हमारा पूरा पोस्ट लिखते हैं। तो यहाँ पर जैसे डिफरेंट रैंक मैथ इंस्टॉल है, तो यहाँ पे मेरा रैंक मैथ का ऑन पेज एसईओ स्कोर बता रहा है, मतलब 100 में से भी 0, क्योंकि हमने कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना टाइटल ऐड कर लेते हैं। और मैंने पूरा ये पोस्ट ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, क्योंकि वीडियो में टाइम पास नहीं करेंगे इसलिए। तो ये मेरे पोस्ट का टाइटल है, दी अल्टीमेट गाइड टू टॉप 5 बेस्ट ईमेल मार्केटिंग सर्विसेज। यहाँ पे हमारा हेडिंग एनालाइजर जो है वो उसका भी दिखा रहा है, लेकिन हमारा जो मेन है यहाँ पे ऑन पेज एसईओ रैंक मैथ का, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये सारी चीजें हमें चेंज करनी है, बेसिक एसईओ, एडिशनल, टाइटल रीडेबिलिटी, कंटेंट रीडेबिलिटी, मतलब ये सब हमें चेकलिस्ट को फॉलो करके 100% करना है। तो इसको मैं पूरा आपको बताऊंगा कि 100% कैसे करना है। सबसे पहले हमारे यहाँ पे फोकस कीवर्ड हम ऐड करेंगे, जो कि है बेस्ट ईमेल मार्केटिंग सर्विसेज। को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। तो आप देख सकते हो तुरंत हमारा यहाँ पे 44 हो गया, क्योंकि हमने फोकस कीवर्ड डाल दिया यहाँ पर, क्योंकि हमने हमारा फोकस कीवर्ड यहाँ पे डाल दिया है। लेकिन अब पूरा आर्टिकल मैं यहाँ पे पहले पेस्ट कर लेता हूँ। तो मैंने अभी अपना आर्टिकल पब्लिश कर लिया, आप देख सकते हो तो यहाँ पे सीधा 63 हो गया 44 से। और हमें यहाँ पर देखना है क्या क्या हमें ऐड करना है, हमारा फोकस कीवर्ड तो ऐड हो गया। सबसे पहले हम बेसिक एसईओ में देखते हैं हमारे क्या एरर्स यहाँ पर दिखा रहा है। फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन योर एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन, तो हमें मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करना है। तो वो हम यहाँ पे ऊपर में जाकर एडिट स्निपेट करेंगे। अब मेटा डिस्क्रिप्शन आपका क्या आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बेस्ट ईमेल मार्केटिंग सर्विसेज, तो जो यहाँ पे आर्टिकल रैंक हो रहा है, तो ये हमारा होता है एसईओ यूआरएल, मतलब जो हमारा यूआरएल होता है वो हमारा ब्लॉग का टाइटल होता है, और ये जो होता है हमारा वो मेटा डिस्क्रिप्शन होता है। तो इसमें भी हमारा कीवर्ड आना चाहिए। हमने हमारे टाइटल में बेस्ट ईमेल मार्केटिंग सर्विस तो यूज कर ही लिया है, और यहाँ पे हमारा जो डिस्क्रिप्शन है वो मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, उसको मैं पेश करता हूँ। यहाँ पे आप देखते हो बेस्ट ईमेल मार्केटिंग सर्विसेज जो हमारा कीवर्ड है वो इसमें आ गया है। अब मैं इसको क्लोज करूंगा तो आप देखते हो यहाँ पे सबसे पहले 65 हो गया है, और हमारा ये फोकस कीवर्ड इन एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन भी आ चुका है। ठीक है, अब आ रहा है यहाँ पे यूज फोकस कीवर्ड इन योर यूआरएल। अब सिंपल सी बात है, हमारे यूआरएल जो है ये वाला होता है, जो यूआरएल इसमें भी हमारा कीवर्ड यूज करना होता है। तो यहाँ पे मैं एडिट स्निपेट पे फिर से क्लिक करूंगा और यहाँ पे हमारा कीवर्ड लिख दूंगा। ओके, तो ये हमारा कीवर्ड यहाँ पे भी लिख दिया मैंने। अब इसको मैं इसे क्लोज करूंगा, और ये लिखने के बाद हमें सेव ड्राफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा यूआरएल चेंज होगा, इसलिए मैं इसको सेव ड्राफ्ट करता हूँ। तो आप देखते हो यहाँ पे ये सीधा 70 हो गया है, और हमारा बेसिक एसईओ जो है उसका ऑल गुड है, मतलब सब कुछ चेक मार्क है। लेकिन आप देखते हो यहाँ पे कंटेंट जो हमारा दिखा रहा है वो हमारा 1000 वर्ड का है, जो कि अच्छा है, लेकिन यहाँ पे अभी येलो दिखा रहा है। या तो ये ग्रीन हो या फिर इससे पूरा ग्रीन चेक मार्क हो तो बेस्ट रहेगा हमारे लिए। तो सिंपल सी बात है, हमें हमारे कंटेंट का लेंथ बढ़ाना होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हाउ टू बिल्ड एन ईमेल लिस्ट। तो अब जैसे मेरा 1900 वर्ड्स का हो गया, यहाँ पे आप देखते हो ग्रीन चेक मार्क आ गया, लेकिन ये पूरा सर्कल फिल नहीं हो रहा है। आप देखते हो इसमें पूरा फिल है, इसमें हमारा ब्लैंक दिखा रहा है, मतलब इसमें हमें थोड़ा और कंटेंट ऐड करना होगा और थोड़े वर्ड्स ऐड करने होंगे। एक और सेक्शन ऐड कर लेता हूँ, हाउ टू मोनेटाइज योर ईमेल लिस्ट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 2600 प्लस वर्ड्स लिख दिए, और यहाँ पे पूरा फुल ग्रीन चेक आ गया है, मतलब हमारा कंटेंट का लेंथ भी सही है, मतलब हमारे रैंकिंग में हेल्प करेगा, क्योंकि जितना लंबा आपका कंटेंट रहेगा, जितना डिटेल में रहेगा, उतना आपके ब्लॉग को रैंक करने में हेल्प रहेगा। मतलब गूगल को ऐसा लगेगा कि हाँ ये कंटेंट में ज्यादा डिटेल दिए हुए, तो जो यूजर के काफी काम आएगा, मतलब रीडर के काफी काम आएगा। तो बेसिक एसईओ में जो सारी चीजें थी वो हमारे कंप्लीट हो गया है, और हमारा अभी ओवरऑल स्कोर जो हुआ वो है 74 out of 100। अब हम जाते हैं यहाँ पे नीचे एडिशनल में। तो एडिशनल में आप देखो सबसे पहले हमारा आ रहा है यहाँ पे फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन H2, H3 और H4। हमारा जो मेन कीवर्ड है वो उसका हमने कोई भी सब हेडिंग नहीं बनाया है। तो जैसे मैं यहाँ पे टॉप पे जाऊंगा, हमारे 5 जो ईमेल मार्केटिंग सर्विसेज थे उनके नाम और वो सब शेयर किया हुआ है, तो जस्ट इसके ऊपर यहाँ पे मैं एक हेडिंग डाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल सकता हूँ लिस्ट ऑफ बेस्ट ईमेल मार्केटिंग सर्विसेज, और उसके सारे नीचे सर्विसेज आ गए हैं। टाइटल हेडिंग डाल सकता हूँ, और एक बार आपको ध्यान रखनी है जो आपके कीवर्ड है वो जहाँ यूज जरूरत है वहीं पे यूज करना, ज्यादा जबरदस्ती मत भरना। जैसे यहाँ पे मैं हेडिंग डाल सकता था, क्योंकि यहाँ पर नीचे मैंने सारे ईमेल मार्केटिंग सर्विसेज के नाम, जैसे मेल
मेलचिंप हो गया, कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट, कन्वर्टकिट, ये सब है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लिस्ट ऑफ बेस्ट ईमेल मार्केटिंग सर्विसेज। अब जैसे ये पैराग्राफ है इसको मैं कर लेता हूँ H2, तो H2 होते ही आप देख सकते हो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली सही हो गया, फोकस कीवर्ड हमारे सब हेडिंग में आ गया, तो हमारा ये चेकमार्क हो गया है। अब यहाँ पर लिखा रहा है एड एन इमेज विथ योर फोकस कीवर्ड एज एल टेक्स्ट। अब आपके ऑन पेज एसईओ में एक आता है इमेज, उसका भी एक एसईओ करना इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इमेज एसईओ का अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में बता देना। उसके लिए यहाँ पे मैं एक इमेज ऐड कर लेता हूँ, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया था, इमेज में जाऊंगा। तो ये है हमारा इमेज, और इमेज के एसईओ में आपको ओवरव्यू दे दूं तो मैं आप देख सकते हो बेस्ट ईमेल मार्केटिंग सर्विसेज मैंने यहाँ पे कीवर्ड यूज किया है हमारे इमेज का जो टाइटल, मतलब आपका जो इमेज है उसका जो टाइटल है मतलब उसको आप रीनेम करके आपका जो कीवर्ड है वो उसमें यूज करना जरूरी है। दूसरा आपका एल टेक्स्ट। अब एल टेक्स्ट जो होता है वो गूगल के जो बॉट्स होते हैं उनको ये सारी चीजें समझ में नहीं आती, उनको कोडिंग वाली लैंग्वेज समझ में आती है, तो उसके लिए आपको एल टेक्स्ट जानना जरूरी है। तो गूगल का जो बॉट है उसको समझ में आया कि ये इमेज किस चीज से रिलेटेड है, तो वही मैंने हमारा जो कीवर्ड था उसको मैंने एल टेक्स्ट में ऐड किया है बेस्ट ईमेल मार्केटिंग सर्विसेज। और एक चीज काफी लोग जो नहीं करते हैं उनको नहीं मालूम है, इमेज इसे का ओवरव्यू मैं दे देता हूँ। अब जैसे आप ये फाइल का यूआरएल देखोगे तो मैं इसको मैं यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे ओपन करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा ये ब्लॉगिंग चैप्टर अपलोड फिर डेट, और ये आप देख सकते हो यहाँ पे बेस्ट ईमेल मार्केटिंग सर्विसेज कंपेयर्ड, वो कंपेयर्ड टाइटल में मैंने लिख दिया, कंपेयर्ड किया हुआ इसलिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बीच बीच में ये हाइफन आ रहा है इस तरीके से, जो ये हाइफन है जब आप रीनेम करोगे टाइटल लिखोगे उसमें हाइफन ऐड करना, क्योंकि वो भी एक इमेज एसईओ का पार्ट होता है। क्योंकि यूआरएल में अगर आप बीच में स्पेस दे दोगे तो वहाँ पे वो परसेंटेज 20-20 इस तरीके का, आपको अगर मेरे को जो एग्जांपल मिल गया यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस तरीके का दिखेगा, और वो एसईओ के लिए अच्छा नहीं रहता। तो आप ध्यान रखना वहाँ पे आप स्पेस की जगह हाइफन या फिर डैश जो है छोटे छोटे उसको आप यूज करो, तो आपके इमेज एसईओ में वो अच्छा काम करेगा। बाकी इमेज एसईओ का अलग से आपको वीडियो चाहिए तो मैं उस पर पूरा वीडियो बना दूंगा अलग से। हमारा इमेज हमने यहाँ पे सिंपली इसको कर लेते हैं एड, और देखते हैं हमारा ये भी काम हो चुका है। अब यहाँ पे आपको देख सकते हो नीचे आ रहा है कीवर्ड डेंसिटी विच इज 0.5। अब बेस्ट कीवर्ड डेंसिटी होता है 1 से लेके 1.5 तक, उससे ज्यादा आप कीवर्ड यूज कर रहे हो अपने आर्टिकल में तो सिंपल सी बात है आपका आपने कीवर्ड स्टफिंग ज्यादा करी है। और ये परसेंट ऐसा निकलता है जितना आपके आर्टिकल में लेंथ यूज किया है और जितने बार आपने कीवर्ड यूज किया उससे डिवाइड करके। मान लो मैंने मेरा आर्टिकल है 1000 वर्ड का, उसमें मैंने 2 बार कीवर्ड यूज किया है तो मेरा जो डेंसिटी होगा वो होगा 0.2 होगा। तो मुझे यूज करना पड़ेगा करीब 20 बार यूज करना पड़ेगा तब जाके मेरा 1% होगा, और ज्यादा से ज्यादा 25 या फिर 30 बार मैं यूज करूंगा तो मेरा 1.5%, मतलब इसके बीच में ही रहना चाहिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ पे कीवर्ड डेंसिटी येलो दिखा रहा है तो जो हमारा मेन कीवर्ड है उसको मैंने ज्यादा बार यूज नहीं किया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है 13 टाइम्स, तो मुझे मतलब 13 टाइम्स और यूज करना पड़ेगा क्योंकि मेरा जो आर्टिकल का लेंथ है जैसे मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको बताऊँ 2600 है, तो मुझे कम से कम 26 बार मेरे कीवर्ड को इस ब्लॉग में यूज करना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं है कि आप कीवर्ड को इसमें यूज करो, जहां पे जरूरत है वहीं पे यूज करना, जबरदस्ती कीवर्ड मत भर देना, कहीं भी ऐड मत कर देना क्योंकि फिर वो एक तरीके से स्पैम तरीके से काउंट किया जाएगा और वो कीवर्ड स्टफिंग में आ जाएगा। लेकिन आपको बताने के लिए मैं यहाँ पे भर दूंगा कीवर्ड ताकि हमारा ये चेकमार्क कंप्लीट हो जाए, लेकिन आपको जहां पे जरूरत हो वहीं पे ऐड करना है। तो मान लो जैसे ये सेंटेंस है इट इज वन ऑफ द बेस्ट ईमेल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स, तो इसको मैं कॉपी करके कई जगह ऐड कर लेता हूं। यहां पर आप जैसे देखते हो 14 है, अब मैं इसको यहां पे भी एक ऐड कर लेता हूं एंटर मार के। मैं बता रहा हूं ये मैं आपको खाली एसईओ जो 100% उसको करना बता रहा हूं कि आपको इस तरीके से अपने ब्लॉग में ऐड करना। आप ऐसे मत कहीं भी भर देना, जहां पे जरूरत हो देखो वहां पे अगर आप कीवर्ड को यूज कर सकते हो तो ही यूज करना, जबरदस्ती मत भरना। और यहां पे ये नॉर्मल दिखा रहा है ग्रीन चेक दिखाएगा, तो अब मैं 26 बार ऐड करने तो बैठूंगा नहीं, इसलिए मैं 26 बार कहीं भी ऐड कर रहा हूं। अब जैसे मैंने 24 बार ऐड किया तो आप देखते हो यहां पे नॉर्मल ग्रीन चेक हो गया, लेकिन हम इसको जैसे 26 बार करेंगे और ये हमारा पूरा फुल ग्रीन चेक हो जाएगा, जैसे मैं आपको करके बता भी देता हूं। तो अब जैसे आप देख सकते हो यहां पे मैंने इसको करीब 28 बार लिखा तो ये फुल ग्रीन चेक हो गया है, लेकिन वापस से ध्यान रखना जबरदस्ती कहीं भी मत भरना, जहां पे जरूरत हो वहीं पे ऐड करना। अब यहां पे लिखा रहा है लिंक आउट टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज, अब आपको एक एक्सटर्नल लिंक ऐड करना पड़ेगा, मतलब कोई भी एक अथॉरिटी वेबसाइट जिसको आपको लिंक देना चाहते हो। कोई ऐसा कंपलसरी नहीं कि आपको लिंक ऐड करना ही है, जरूरी है तो ऐड करो। अब जैसे यहां पे मैंने इन कंपनीज के नाम बताया तो मैं एफिलिएट मार्केटिंग के लिए अपने एफिलिएट लिंक्स भी डाल सकता हूं यहां पर। तो यहां पर जैसे मान लो मेलचिंप है तो मेलचिंप का मैं जो मेन वेबसाइट है उसी का यहां पे लिंक ऐड करूंगा, जैसे यहां पे मेलचिंप का टेक्स्ट है ओके, जैसे मैंने ऐड किया है, अभी हमारा एक एक्सटर्नल लिंक ऐड हो चुका है, हमारा ये भी एसईओ का काम हो चुका है। वी कुडंट फाइंड एनी इंटरनल लिंक्स टू योर कंटेंट, अब मैंने इसमें इंटरनल लिंक भी कहीं पर ऐड नहीं किया है, तो मेरा कोई भी ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई आर्टिकल हो उसको मैं यहाँ पे इंटरनल लिंक कर सकता हूँ। जैसे मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि आप अपने ईमेल लिस्ट को मोनिटाइज कैसे कर सकते हो, उसका मैं लिंक यहाँ पे ऐसे ऐड कर सकता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे एक मैं सेंटेंस करता हूँ ऑल्सो रीड, और मेरा यहाँ पे जैसे 13 प्रोफेशनल वेज टू मोनिटाइज योर ईमेल लिस्ट वाला आर्टिकल है, इसका मैं यहाँ से लिंक कॉपी करूंगा और यहाँ से इसको लिंक ऐड कर दूंगा। अब यहाँ से मेरा एक इंटरनल लिंक भी हो चुका है, तो ये भी हमारा काम हो गया। और यहाँ पर नीचे लिखा रहा है यूज कंटेंट AI, ये भी काफी अच्छी चीज है, इसको हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे, हम नीचे बाकी का चीजें देख लेते हैं। अब यहाँ पर टाइटल रीडेबिलिटी में फोकस कीवर्ड हमारे SEO टाइटल के बिगिनिंग में है ही, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे टाइटल में बेस्ट में मार्केटिंग सर्विसेज है ही। योर टाइटल हैज पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटीमेंट, पॉजिटिव सेंटीमेंट है बेस्ट हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है, टॉप यूज किया हुआ है, अल्टीमेट वर्ड यूज किया हुआ है, तो इसमें सेंटीमेंट हमारा जो भी वो अच्छा है। टाइटल कंटेंट्स टू पावर वर्ड्स, अब टू पावर वर्ड एक अल्टीमेट हो गया हमारा, एक गाइड भी हो सकता है, बेस्ट भी हो सकता है, मतलब एक ऐसा कैची वर्ड हमने यूज किया जो यूजर का हमारा आर्टिकल पे क्लिक करने के काम आएगा। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है यू आर यूजिंग अ नंबर इन योर टाइटल, वैसे मैंने यहाँ पे फाइल लिखा है, जैसे मैं इस फाइल को हटा देता
तो वो यहाँ से हट जाता और ये एरर में दिखाता, तो वही मैंने यहाँ पे फाइल लिख दिया है। तो फाइल एक तरीके से क्लिक बेट का काम करता है, आप ट्राई करना ऑड नंबर यूज़ करने का, समटाइम्स ऑड इज़ बेस्ट, तो वो हम ऑड नंबर को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं फाइल लिख देता हूँ, तो हमारा यहाँ पे ये वाला काम कम्प्लीट ही है। ठीक है, अब नीचे कॉन्टेंट रीडेबिलिटी में हम जाए तो आप जैसा देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ यू सीम टू बी यूजिंग टेबल ऑफ कॉन्टेंट प्लग इन, तो हमने कॉन्टेंट टेबल ऑफ कॉन्टेंट का प्लगिन यूज़ किया हुआ, तो हमारा जो भी सब हेडिंग है वो सब इसमें अपने आप डिवाइड हो जाएगा। तो यूजर के लिए काम रहता है, क्योंकि अगर उसे किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को ही पढ़ना है तो क्लिक करके सीधा उस पर जाकर उधर उसे पढ़ के खत्म कर सकता है, वरना वो स्क्रोल करते करते ढूंढता रहेगा। यू आर यूजिंग शॉर्ट पैराग्राफ, तो हम शॉर्ट पैराग्राफ भी इसमें यूज़ कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो हमने तीन लाइन से ज़्यादा कोई बड़ी लंबी पैराग्राफ यहाँ पे यूज़ ऐड नहीं करी, वैसे ये वाला लंबा पैराग्राफ हो गया तो इसको मैं यहाँ से डिवाइड कर सकता हूँ, अगर अलग सेंटेंस अलग पैराग्राफ बना सकता हूँ, क्योंकि एक लंबा पैराग्राफ कोई भी यूज़र पढ़ना नहीं चाहता है, एक तरीके से आपका यूज़र बिहेवियर बिगड़ जाता है। ठीक है, तो आपको शॉर्ट पैराग्राफ यूज़ करना है। अब यहाँ पे लिखा रहा है यूज़ कंटेंट्स इमेजेस और वीडियोस, तो हम यहाँ पे एक वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, तो हम यहाँ से यूट्यूब का कोई वीडियो भी एम्बेड कर सकते हैं अगर आपको ऐड करना हो तो, बाकी वो जरूरी नहीं है। जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी ऑल गुड है ही, ये हमको खाली एक एडिशनल ऑप्शन दे गया कि अगर आपको ऐड करना है तो कर सकते हो। अब जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे हमने सिर्फ ये एक ही इमेज ऐड किया, तो इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेता हूँ, इसको थोड़ा नीचे ले जाते हैं हम। अब इसको मैं काम करता हूँ कॉपी कर लेता हूँ और इसे और भी कई जगह यहाँ पे समझ लो, जैसे यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, फिर नीचे जाके मैं यहाँ भी पेस्ट कर देता हूँ। मैं खाली आपको करके बता रहा हूँ कि ऑन पेज एसईओ कैसे करना है, बाकी सेम इमेज आप बार बार रिपीट मत करना, जरूरी नहीं है। ये चीज हो गई, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा योर कॉन्टेंट कंटेंट्स इमेजेस एंड वीडियोस, ये भी हमारा काम हो गया है। कॉन्टेंट रेडिबिलिटी हमारा पूरा डन हो गया है, टाइटल पूरा डन हो गया है, हमारा बेसिक भी हो गया, लेकिन एडिशनल में अभी भी हमारा यहाँ पे यूज कॉन्टेंट AI। अब ये चीज आपको बताना चाहूंगा मैं, जो कॉन्टेंट AI रैंक मैथ का फीचर है वो एक अलग ही फीचर है, उसको कैसे यूज करना है उसके लिए भी मैं आगे नेक्स्ट मंथ ट्राई करूंगा वीडियो बनाने का, तो वो वीडियो भी आ जाएगा। लेकिन जो कॉन्टेंट AI इसका फीचर है वो एक पेड फीचर है, लेकिन अगर आपके पास रैंक मैथ का फ्री अकाउंट भी है तो भी आपको 5 credit मंथली के फ्री मिलते ही है, तो वो भी हम यहाँ पे यूज करके बताया था। लेकिन अभी यहाँ पे वो कॉन्टेंट AI एक्टिवेट नहीं है, तो उसको कैसे एक्टिवेट करना वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हम सेव ड्राफ्ट कर लेंगे ताकि हमारा ये सब उड़ ना जाए जो भी हमने लिखा है। और ये तो मैं अभी ऑन पेज SEO ऑप्टिमाइजेशन सिर्फ रैंक मैथ का बता रहा हूँ, रैंक मैथ की वजह से वर्डप्रेस का बता रहा हूँ, लेकिन मैं पूरा फुल एक SEO कोर्स लाने का भी सोच रहा हूँ, तो आप नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो मैं पूरा SEO का जो टेक्निकल होता है, लोकल SEO भी होता है हमारा, ऑन पेज ऑफ पेज और जो बेसिक SEO होता है, सबके सेपरेट वीडियोज में बना दूंगा। तो कॉन्टेंट AI कैसे एक्टिवेट करना है, आपको जाना है आपके रैंक मैथ के अकाउंट में, आपको जाना है जनरल सेटिंग्स में, यहाँ पे आपको नीचे स्क्रोल करते मिल जाता है कॉन्टेंट AI। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन सी चीजें के लिए आपको कॉन्टेंट AI यूज करना है, तो मैं सिर्फ पोस्ट को ही पोस्ट पे ही चाहिए, मुझे इन सब पे नहीं चाहिए, तो सिलेक्ट करके आपका कितना क्रेडिट बाकी है वो भी आपको बता देगा, और उसको मैं यहाँ से कर दूंगा सेव चेंजेस। मैं हमारा पोस्ट ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो हम फिर से हमारे पोस्ट में आ चुके हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इसमें, तो यहाँ पे हमारा एक कॉन्टेंट AI का फीचर था जो हमारा बाकी रह गया था। अब यहाँ पे आप देखते हो कॉन्टेंट AI का एक और टैब ऐड हो गया, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा और हमारा जो कीवर्ड होगा मेन कीवर्ड उसको मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। आपका देख सकते हैं यहाँ पे 2 credits है जो फ्री अकाउंट है, तो उसमें 5 credit आपको मिल जाते हैं। प्रीमियम रैंक में यूज़ करके तो आपको ज़्यादा मिल जाएगा। अभी आप देखते हो 95 है, जैसे मैं आप रिसर्च पे क्लिक करूँगा आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा ये पूरा 100 score हो चुका है। मतलब अगर आपका कंटेंट AI यूज़ नहीं करना है तो आपका काम 95 पे ही पूरा कंप्लीट हो गया था, लेकिन आप कंटेंट AI यूज़ करोगे तो आपका 100% हो जाएगा। अब अगर आप कंटेंट AI यूज़ करो तो आप देख सकते हो इसका भी आपको 100% करना पड़ेगा। उससे बचा जाएगा कि आपका रैंक, आपका जो कंटेंट है वो पूरा अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज है, यानी AI के थ्रू, कंटेंट AI के AI है, AI के हिसाब से आप अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करोगे। तो वो भी हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, क्योंकि वो करने जाऊंगा तो पूरा वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आपको उस पर अलग से वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में जरूर बता देना, नेक्स्ट मंथ उसमें जल्दी से जल्दी वीडियो बना दूंगा। तो बस हमारा 100 यहाँ पे हो चुका है रैंक मैथ की तरफ से, भी हमारा पूरा एक ऑन पेज SEO ऑप्टिमाइज आर्टिकल हो चुका है। हमने टाइटल में यूज़ कर लिया, हमारे कंटेंट में कितनी बार हमें कीवर्ड डेंसिटी के हिसाब से भी हमने कीवर्ड्स को यूज़ कर लिया है, हमने इमेजेस को भी ऐड कर लिया, उसका एल टेक्स्ट भी ऐड किया हुआ है, उसके हमने टाइटल में भी हमने बता दिया, और उसका जो URL इमेज का वो भी मैंने आपको बता दिया है। फिर आपके जो सब हेडिंग्स है उसमें भी हमारे कीवर्ड को ऐड कर लिया, जो H2 मैंने आपको करके बताया था, टाइटल में यूज़ कर लिया है, हमने हमारे मेटा डिस्क्रिप्शन में यूज़ कर लिया, हमने हमारे आर्टिकल के URL में भी यूज़ कर लिया, तो वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने इमेजेस भी ऐड कर लिया, हमने कॉन्टेंट का लेंथ भी ज़्यादा लंबा रखा है ताकि डिटेल एक आर्टिकल हो, हमने इंटरनल लिंकिंग भी कर ली, हमने एक्सटर्नल लिंकिंग भी कर ली, हमने टेबल ऑफ कंटेंट भी यूज़ कर लिया है यूज़र के इजी नेविगेशन के लिए, और साथ में हमने शॉर्ट पैराग्राफ भी रखा हुआ है ताकि यूज़र को रीडिंग में दिक्कत ना आए। तो पूरा एक ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन हमारे इस पोस्ट का हो चुका है, तब जाके हमारे रैंक मैथ में 100 out of 100 score मिला है। तो इस तरीके से आप अपने वर्डप्रेस ब्लॉग पे ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। और जैसा मैंने कहा कि ब्लॉगर का भी अगर आपको जानना है तो ब्लॉगर का अलग से वीडियो आ जाएगा नेक्स्ट मंथ, और मैं पूरा SEO कोर्स का भी प्लान कर रहा हूँ, तो अगर आपका सपोर्ट रहा, आपको चाहिए, तो मैं उसका पूरा एक डिटेल SEO कोर्स ले आऊँगा, और वो भी हमारे चैनल पे रहेगा, फ्री में रहेगा, तो आपको वो भी देखने को मिल जाएगा और आपका काम वहाँ से बन जाएगा। तो बस यही था इस वीडियो में, और आगे के आने वाले वीडियोस को मिस नहीं करना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ये वीडियो पसंद आया जरूर इसे लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जिनको ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में दिक्कत आ रही है, और क्या मिलता है अगले वीडियो में।